नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है। आइए जानते हैं इस वक्त की अपडेट। बैंकों में हुई पैसों की कमी। साथियों, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली रुपए की तरलता की कमी से जूझ रही है। आरबीआई के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अगस्त माह में 236 अरब रुपए की तरलता थी। महीने की शुरुआत में तरलता अधिशेष 13 महीने के उच्चतम स्तर यानी 2.8 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गया था, लेकिन इसमें तब से कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली में रुपए की तरलता की कमी के कारण उधारी पर निर्भरता बढ़ने से कर्ज की दरें भी बढ़ सकती हैं। बैंकों पर अधिक जमा राशि जुटाने का दबाव होगा, जिससे ब्याज दरें बढ़ेंगी। आरबीआई के डेटा के अनुसार पहली बार बैंकिंग प्रणाली को 23,644.43 करोड़ रुपए की तरलता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता का मतलब बैंकों की अल्पकालिक व्यावसायिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आसानी से उपलब्ध नकदी से है। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का मतलब है कि बैंकों के पास ग्राहकों से आने वाली पैसे की मांगों के लिए पर्याप्त धन नहीं है। आपको बता दें कि आरबीआई तरलता समायोजन सुविधा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करती है। LAF का संचालन रेपो नीलामी और रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से किया जाता है। गौरतलब है कि रेपो नीलामी का प्रयोग आरबीआई द्वारा तरलता के अवशोषण के लिए, जबकि रिवर्स रेपो नीलामी का प्रयोग तरलता के इंजेक्शन के लिए किया जाता है। आरबीआई द्वारा डॉलर बेचने से भी तरलता का अवशोषण होता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।